हाँ दोस्तों, आज दिन रविवार दोस्तों, मार्केट तो बने तब भी वीडियो क्यों बना रहा हूँ भाई। मेरा एक गाड़ी माल आया है और एकदम सस्ता पे माल आया है। आप लोग का सबसे ज्यादा कमेंट आता है जब नासिक का सबसे बड़ा मंडी का नंबर दो, कौन सा मंडी में सबसे सस्ता पे माल मिलेगा उसका पता बताओ, नंबर वगैरह दो, किसान का नंबर दो, होलसेलर का नंबर दो, सप्लायर का नंबर दो। तो भाई इस वीडियो केवल नंबर देंगे, ठीक है। वीडियो पे बने रहे, आपको मंडी का नाम बताएंगे, कौन सा जगह पे है, कैसे जाओगे, उसका नंबर वगैरह सब कुछ देंगे। वीडियो पे बने रहे, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखोगे तो फायदा होगा। अगर आप धंधा करने के लिए सोच रहे हो कौन सा महीने में खरीदे जो सस्ता पे पड़ेगा, कैसे खरीदे, कौन सा लाइसेंस लगेगा, सब कुछ कवर करेंगे और ट्रांसपोर्ट खर्चा भी बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट को कैसे ऑर्डर करते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, बिना टाइम वेस्ट किए लास्ट तक देखो, ठीक है। वीडियो तो शुरू करेंगे, उससे पहले करना क्या आप लोगों को, अरे यार भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा फ्रेंड बन जाओ यार। डेली प्याज का वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, प्याज मंडी का हो, लहसुन मंडी का हो, अदरक मंडी का हो, भाई सब्जी का बिजनेस करना है या फल का बिजनेस करना है या ग्रोसरी आइटम का बिजनेस करना है या किसी भी टाइप का बिजनेस करना है, भाई केवल सस्ता पे आपको माल कहाँ पे मिलेगा हम आपको बताते हैं। सप्लायर का नंबर हो या किसान का नंबर हो या होलसेलर का नंबर हो, इंपॉर्टेंट नंबर प्रोवाइड भी करते हैं। सस्ता पे माल कहाँ पे मिलेगा वो भी बताते हैं। भाई काम का चैलेंज है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फायदे में रहोगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं आज का। अगर आप प्याज का बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, स्टॉक बिजनेस या माल खरीद के संग संग आपको बेचना है, मंडी में लगाना है, तो माल कहाँ से खरीदें, ट्रांसपोर्ट खर्चा कितना होगा, एक गाड़ी में टोटल कितना खर्चा होगा, टोटल पूंजी कितना लगाना पड़ेगा, अगर आप स्टॉक करोगे तो कौन सा महीना में खरीदेंगे जो सस्ता पे पड़ेगा, और स्टॉक करने वाला प्याज कैसे हम खरीदे जो हमको समझेगा ये माल कितना दिन तक रहेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे ना इस वीडियो पे। आप लोग को डेली होलसेल रेट बता दे, डेली होलसेल रेट जाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्याज का सीख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस चैनल में आपको केवल प्याज का नहीं, अदरक मंडी, लहसुन मंडी, पोटैटो मंडी, ए टू जेड मंडी का भाई सिर्फ बिजनेस वीडियो मिलेगा, सिर्फ बिजनेस वीडियो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो नासिक पीपलगांव मंडी का नंबर ले लो, ठीक है। ये देखो स्क्रीन में शो रहा है नासिक पीपलगांव मंडी, एक नंबर, और एक नंबर देंगे, टेंशन नहीं लेने का, और एक नंबर देंगे, थोड़ा सा वेट करो, और एक दूसरा नंबर, ठीक है, ये नंबर के भी नोट कर लो, ठीक है। ये भी नासिक पीपलगांव मंडी का सीकर ट्रेडर्स बोल के एक कंपनी है, ठीक है। इससे भी आप खरीद सकते हो, सस्ता पे माल मिलेगा, ठीक है। और जो भी है सब एक्सपोर्टर भी है, और ये आपका डोमेस्टिक क्वालिटी में माल बेचता है और एक्सपोर्ट क्वालिटी में माल बेचता है, ठीक है। नंबर नोट कर लो, और एक नंबर देंगे, टेंशन नहीं लेने का भाई, पीपलगांव मंडी का भी नंबर देंगे, थोड़ा सा वेट करो। वो नंबर तो दे दिए, बढ़िया बढ़िया नंबर। अभी बात करते हैं जो कौन सा महीना में माल खरीदे, स्टॉक करने के लिए सोच रहे हो सस्ता कौन सा महीना में होता है, तो जनवरी फरवरी, ठीक है। अभी रेट बहुत ज्यादा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस टाइम रेट पूरा ऊपर जाता है, एकदम 40 45 50 तक जाता है, हर साल ऐसा ही मैंने होता है, ठीक है। और सबसे सस्ता होता है जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, इस टाइम आप माल खरीदोगे तो भाई स्टॉक करोगे तो तगड़ा प्रॉफिट कमा पाओगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।